अस्सलाम वालेकुम। मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब जी? सुबह का टाइम है, टाइम है नाश्ते का। नानों के लिए नाश्ता बनाते हैं। रात को जो टिक्किया बनाई थी ना, मैंने कहा वही टिक्किया ब्रेड के अंदर लगा के नानों के साथ चाय बना के देती हूँ। तो नानो कह रही है जी आज मुझे छोड़ा है अपनी मम्मी की तरफ, मैं कल तेरे भाई के साथ ना वापिस चल जाओगे। मैंने कहा अभी आप कल तो आई हैं, रह जाएं क्या? यार सर्दी बहुत है, तेरा वाशरूम बड़ी दूर है, मैंने बार बार इन्नी दूर जाना पैंदा, ठंड है, हूं मैं गर्मियों से तेरे घर आवाँगी। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा रुको जाए, इतनी देर बाद आई क्यारी ने फिर सही, बड़ी ठंड है, मैं बीमार ना हुई। हालांकि मैं कहती पानी गर्म करके नहला दूंगी, मेरी कजन ने भी कहा था कि नानो को नहला देना, पर धूप नहीं निकली तो वो करी नहीं, मैंने नहीं नहाना ऐसी सर्दी में, उन्हें आगे वैसे बहुत सर्दी लग रही। और ये चूल्हा भी मैंने स्पेशली नानों की वजह से ही अंदर रखा था, मैंने कहा उन्हें सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। तभी नानों के जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, इससे पहले कि लाइट चली जाए। लाइट इतना तंग करी, पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, 1 घंटा रही है, 1 घंटा जा रही है, कभी 2 2 घंटे जा रही है। तो नाश्ता वगैरह करवाते हैं, फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम होगा ना, फिर नानों को मैं घर छोड़ने जाऊंगी, फिर मैं भी थोड़ी देर बैठाऊंगी। आपके सामने कितने दिन हो गए मैं भी नहीं अम्मी की तरफ गई, ये सर्दी की वजह से। मैं जी यहाँ ब्रेड सही कर रही हूँ, ब्रेड कर देना इसके अंदर से टिक्की लगा के देखें। ये जी नानों का नाश्ता रेडी हो गया, नानों को भी हम नाश्ता देते हैं। नानों को जी यहाँ पे नाश्ता दे दिया, नानों कर रही है नाश्ता, उन्होंने खोल दिया। मैं वेच टिक्की लाई सी उन्हें पता नहीं लगा, उनके शायद ऐसे ही खाना है। हाँ जी मैं भी रेडी हो गई, मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया, नानो भी फुल फाइनल रेडी है कि बस अब जल्दी आइए। आपने शॉल देखा जो मैंने ली प्यारी ना, ये मुझे नानो ने दी है, कलर बड़ा अच्छा लगा। की हाँ मेरी है। हाँ जी कह रही है तेरी कितनी फोटो, तेरी ते नाल मेरी। तो अभी हम उसी बच्चों को ट्यूशन छोड़ दिया, नानो को छोड़ना अम्मी घर, भाई कह रहे फिर मैं नानो को घर छोड़ाऊंगा। तो मैंने कहा आप कल चले जाना, कहते जे मैंने सामान भूल गया तो फिर नहीं तो मैंने हूं ही छाड़ दिया। मैं क्या अच्छा चलो चलते हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं। उठो जी आज कितने दिनों बाद ट्यूशन जा रहे हैं, बीमार था ना तो ये भी नहीं था जा रहा। चलो खड़े हो जाओ, मेरा गोशा देखो कितना मोटा और इतने ज्यादा कपड़े पहनाए हुए, ऐशा वैशे। चलो चले अभी जी हम लोग चलते हैं। ये मैं पकड़ लेती हूँ, उन्होंने करी कपड़ियां की बड़ी मुसीबत है, डर डा मेरा छापर है। चलो चलिए चलो जी। नहीं गीली नहीं, ठंडी ठंडी है, देखो ये अभी कपड़े नहीं सूखे ढीली। अच्छा मैं फिर बेल्ट बांध दूंगी। चलो जी नाना करी ट्यूशन पढ़ने जा रहे। मैं क्या हाँ हाँ तो पढ़ा दो, दरवाजा चंगे धार जी बनाए ध्यान। चलो जी चलो। मैंने नानो से कहा कि आप थोड़े दिन रुक जाएं, कह रही नहीं ठंड बड़ी, मैंने कार जान दे, मैं हूँ गर्मियाँ से आवाँगी। अगर पता है सर्दियों में सिर्फ अपने घर में सुकून मिलता है। तभी आ रही हैं जी, अभी हम नानो घर जा रहे हैं ना, कितने दिनों बाद हम भी जा रहे हैं, सर्दी बहुत ही निकला नहीं था जा रहा, वैसे भी फिर नानी आ गई तो अभी हम नानी के साथ ही जा रहे हैं। तो आप चले जाओ, ला मुझे पकड़ा दे, नहीं पकड़ा दे, चलो अब तो घर पास आ गया, तो अब चलो जी वो सामने दरवाज़ा, चलो आई ला नानो कितनी पीछे रह गई। हम लोग जी भी आ गए, अम्मी चाह पानी चाह बना रही, नाल बिस्किट लेन गए। कह रही तेरी अम्मी किथे गई, मैं क्या दुकान ते गई, भाभी चाय बना रही है। मैं तो पूछा था सिर्फ रोटी खा तुसे क्या नहीं, अभी मैं घर से पूछ के आया, तो नाना कहती मुझे भूख नहीं, तो अब कह रही ने मैं रोटी दे दे, मसर चावल बनाया। कह रहे मसर चावल बनाए ने, मसर चावल अम्मी और आने हाँ चाय साथ मसर चावल दे देना, पहले बिस्कुट लाती वो खा लेंगे फिर मसर चावल। गंजे ने आके टोपी उतार दी, मेरे गंजे और गंजे मंटो मंटो हाँ किसी के पास नहीं जाती है, आमना कोई भी बुलाई दे नहीं जाएगी, आमना करिए आज आज चल जाओ। ये देखा ना जाने का तो ना नाम ही ना लो ना, कसम से बड़ी भैड़ी किसी को नहीं जानती है। अच्छा ना आ जा ना आ जा ना आ जा ना दे दिता है मैं देखा तो कोल ये पकड़ खाएंगे वखरे वखरे ने दो नस्लां दे ने ले लो हैदर अभी ले लिया नानो के लिए मसर चावल आ तो उन बिस्कुट दे खा लो पहले हूं मसर चावल खाने अल्लाह ये चावलों की शिदैन मटो क्या कह रही करी चावल खाने नानो देती हैं वाह बेबी को भी चावल दे दिए नानो को चावल लग गई थे ने जी खाना भी खा लिया नानो ने खाना खा लिया नानो ने बिस्किट भी खा लिया अभी थोड़ी देर बैठते हैं फिर जाते हैं वो सब्जी लेके घर जाएंगे तो समझ नहीं आ रही पकाए क्या जी मैं जाने लगी हूँ घर नाना मुझे कह रही मुझे सिगरेट ला के दे जाओ फिर घर जाना घर जाते हुए सब्जी ले जाऊंगी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आप करना सब्जी की शॉप पे जाएंगे तो फिर पहले नानों को सिगरेट और माचिस वगैरह ला दो अपनी सब्जी यहीं पे ले आऊंगी फिर यहीं से हम लोग इनका काम हो जाएगा फिर घर चलेंगे चलो जाओ वॉशरूम कर लिए अब जाओ ऊपर
मैं यहाँ पे आई हूँ जी गर्मा गर्म रोल लेने के लिए। मैंने कहा रोल ले लेते हैं, सर्दी है। दो वो जी चलो इधर देखो, नानो की सिगरेट भी ले ली हमने, सब्जी भी ले ली, आलू मटर गाजरें सबके लिए रोल भी ले लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, इसने पकड़ी नानो की सिगरेट। इधर देखो क्या देख रही हो, कह रही मुझे अभी तो, मैंने कहा इतने गर्म है घर चल के दूंगी ये। भाई वाह, ये तो मैंने जैपा को कॉपीज ला कर दी थी। अभी ये क्या पेज लिखे, शाबाश। ये भी देख लो, ये कौन सी है, ये किधर से। वाह भाई वाह, अलीफ अलीफ। ये भी देख लो, इसका क्या लिखा, ये आपने लिखा। ये भी देख लो, बड़ा अच्छा बच्चा मेरा। हाँ जी, ये भाई ने लिखा जैफा को है जी। जैफा का आपने काम देखा, जैफा ने कितना अच्छा काम लिखा, अच्छा काम लिखता है ना। मामी ने मारा तो नहीं, अब ऐसे ही अच्छा काम लिखना ठीक है। कुछ दे दे, बड़ा शुजाता मेरा बच्चा। ओए हाय 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 हाय, चलें घर अब। चलो लाइट सब्जी जी मैंने यहाँ पे सारी बना ली थी, तभी सब्जी पका रही हूँ अपनी में। मैं यहाँ जी अपने बना लगी हूँ आलू मटर गाजरें, लाइट गई हुई है और दोनों बहन भाई देखिए मेरे पास खड़े हैं। मैं खाओ खाओ खाओ, नहीं वहां सदके जाए, मैं हंडिया बना रही तो बैठे बैठे सो रही है। हाँ बैठे बैठे शकरे जाऊं चला नहीं ना करा। अब वर्दा का मैंने अपनी गोद में लटाया, मैंने कहा उसको सुला देती हूँ, आपको क्या चाहिए। एक तो लाइट कसम से बड़ा तंग करती है, मोबाइल दूँ। अच्छा मेरा शजाता है, मेरा गब्बू गोछा।